मेरी समझ से मैंने ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेट किया था जिसमें लगभग 45 लाख रुपए लगभग हुआ था, और ये सब केवल एक साल में मैंने कमाया है इसी एक चैनल से। थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने घर का खर्चा कम ही बताया है। स्पॉन्सरशिप मुझे बहुत महंगी महंगी मिलती है, 40-40 हजार, 50-50 हजार मैं लेता हूँ एक स्पॉन्सरशिप का, केवल एक वीडियो का, लेकिन मैंने बहुत गुना ज्यादा कमाया है। जय श्री राम, स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। ये वीडियो आपको पता है थर्ड टाइम शूट हो रही है, थर्ड टाइम। पहली बार इस वीडियो को मैं इस सेटअप रूम के बाहर शूट कर रहा था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई कि अभी बरसात का सीजन है ना, तो जो चुर्रो 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 कीड़े बोल रहे थे, आवाज़ सही आई नहीं, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने आपके लिए शूट किया कि आपको टेस्ट थोड़ा दूसरा मिलेगा, लेकिन गड़बड़ हो गई, तो वो चीज़ वहाँ गया। दूसरी बार इस रूम में शूट किया, वही चुर्रो 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 आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो उस समय भी एडिटिंग में मैंने देखा कि यार नहीं, ये भी वीडियो शूट नहीं है अच्छी, मतलब नहीं है, आवाज़ गड़बड़ आ रही है। खुद से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, खुद सेटिस्फाई नहीं है, उस लिए तीसरी बार ये वीडियो शूट हो रही है। और देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब थर्ड टाइम में ये वीडियो सही से शूट हुई है। तो दोस्त, बहुत सारे मेरे को नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आते हैं, एक अभी नेगेटिव कमेंट पढ़ रहा था, पढ़ के मुझको अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए ये वीडियो बनाता हूँ। इस चैनल पे कैसी वीडियो आ रही, रिपीट में आ रही है? तो हाँ जी, रिपीट में आएगी। एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको मैं वीडियो में बहुत सारी अच्छी बातें बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चैनल पर ना तगड़ा, बहुत अच्छा, बहुत सारा माल दबा के पड़ा हुआ है। आप चेक कीजिएगा इस चैनल को। सबसे पहले एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूं, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करूंगा। देखिए दोस्त, ऐसा है ना कि अमेरिका का एक बंदा था, जापान का एक बंदा था, और हमारे इंडिया का एक बंदा था। तीनों गए चाय पीने एक होटल में, चाय तीनों का ख़त्म हुआ, तो जो अमेरिका का बंदा था उसने ऐसे गिलास रख दी अपनी सीधी, और जापान वाला बंदा उसने गिलास नहीं नहीं अमेरिका का बंदा उसने गिलास अपनी पलट के रख दिया, जापान वाला था उसने गिलास ऐसे सीधी रखा टेबल पे, और जो इंडिया का था जो हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भाई साहब ने गिलास ऐसे लिटा के रख दिए। जैसे ये गिलास है तो इसको ऐसे लिटा के रख दिए। अब वो आया, वेटर आया, बोला सर ये क्या है? तो अमेरिका वाला बोला मेरे को नहीं चाहिए थी चाय और, तो मैंने पलट के रख दिया। जापान वाले ने बोला मेरे को और चाय चाहिए थी इसलिए मैंने सीधा रखा, और जो इंडिया वाला था उसने बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि लूँ या ना लूँ। वो इंडिया वाले ऐसे ही कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे आप यूट्यूब पे हो तो आपको कन्फ्यूज़न है कि मेरा चैनल ग्रो होगा कि नहीं, मैं वीडियो अच्छी बना ही नहीं रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे साथ वाले के इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरा चैनल कभी ग्रो भी हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं सही वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं, कन्फ्यूज़न है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आप स्क्रीन में देखिए, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, 138 करोड़ 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार है, लेकिन अभी अगर 2021 या 2 में देखा जाए तो आप देखिए 1,406,569,444, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो सही है, इतनी पॉपुलेशन है। और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद आप अगर अपनी वीडियोस पे 10,000 व्यूज़ नहीं ला पा रहे हैं तो लानत है आपके ऊपर, लानत है मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैं भी नहीं ला पा रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में व्यूज़। कैसे आएंगे व्यूज़? काम करके आएंगे दोस्त, काम करना पड़ेगा अपने को, ऐसे हम लोग नेगेटिव नहीं हो सकते और कमेंट्स को देख के गलत विचार अपने मन में नहीं ला सकते। देखिए मेरे को आते हैं कभी कभी कमेंट्स, लेकिन मैं और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूँ, मेरे इस चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूँ एकदम पावर के साथ, देखता हूँ ना कब तक व्यूज़ नहीं आते हैं, देखता हूँ। ये चीज़ मैंने बिल्कुल सोच के रखा हूँ, और मैं आपको बताऊँ मेरे में और आप में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप भी सोचते हो कि कौन सा वीडियो दूं, कौन सा वीडियो दूं, कौन सा वीडियो दूं। मैं भी सोचता हूं कि कौन सा वीडियो दूं, कौन सा वीडियो दूं, कौन सा वीडियो दूं। लेकिन आप में और मेरे में एक छोटा सा पतले सा धागे का फ़र्क है, और वो धागा का फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे पास इतने सारे वीडियो के ऑप्शंस हैं ना कि ये वाला दूं, कि ये वाला दूं, कि ये वाला दूं, कि ये वाला दूं, मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन सा अपलोड करूं, और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला अपलोड कर देता हूँ, हाँ यार यही वाला कर देता हूँ। मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, मैं चाहूँ तो आज चार चार पाँच पाँच वीडियो पर डे की अपलोड कर सकता हूँ, अरे जब तीन कर दे रहा हूँ तो चार कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे उस हिसाब से, उसलिए मैं नहीं अपलोड कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास इतने ज़्यादा, मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं ना वीडियोज़ के, इतने टॉपिक्स हैं कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको।
इतना सारा आइडिया एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। आप थोड़ा सा घुसो तो इसमें, आपको भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आप घुसते नहीं हो यार इन सब में। आप अभी एक देख के आइए, वीडियो देख के आइए, आप यूट्यूब की पावर में देख के दंग रह गया भैया यार। आप देख के आइए जरा। सबसे पहले हमारे पास कुछ जितनी भी चीजें हैं, हमने यूट्यूब से क्या क्या पाया है, आप सुन के ही शौक हो जाओ। नंबर एक पे है कार। फोटो दिखा देता हूँ। अब इस कार को मैंने खरीदा था, टोटल समझना, मैं टोटल चीजें बताने वाला हूँ, 13,50,000 में, जिसमें मुझे टोटल और जो खर्चा होता है, और भी टॉप मॉडल है मेरा तो उसमें और भी जो खर्चा होता है वो मुझे 1,00,000 से थोड़ा 1.5 लाख ऐसा समझ लो मुझे टोटल और खर्चा पड़ गया, 14.5 लाख की कार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे है नंबर दो पे बुलेट, वो भी दिखा देता हूँ साइड में, ये भी देख लीजिए 2,35,000, ये भी टॉप मॉडल है। 6,00,000 इम्पोर्टेंट काम था, जहां पे मुझे देना जरूरी था, वो पहले का था, जो ऐसा समझ लो कि पापा ओपा का पैसा था, वो मुझे भरना, मतलब भाई मैं बेटा हूं तो भरना तो मुझे ही है। सो 6,00,000 मैंने वहां पे भर दिया। नंबर चार, मैंने शादी कर ली है, मैं 8 से 9 लाख रुपए लगे थे टोटल शादी होने तक में। घर का खर्चा, होम वर्क जो हुआ है वो मैं आपको बता दूं, जिसमें टोटल मुझे 11,00,000 रुपए भरने पड़े हैं। 6 नंबर पे है घर का खर्चा, भी इससे कम नहीं होगा, करीब 1,00,000 रुपए, जो एक साल पिछला गया है, पिछले एक साल में 1,00,000 में मान रहा हूँ, हालांकि गया होगा 1.5-2 लाख मुझे पता है, लेकिन फिर भी 1,00,000 मान रहा हूँ। मैं ही सब करता हूँ घर का खर्चा, आपको मैंने बताया है यूट्यूब से ही सब चलता है, घर का भी खर्चा और जितना भी खर्चा होता है हमारे घर में सब यूट्यूब से ही होता है। अभी 7वें नंबर पे है एसी इन्वर्टर, जिसका खर्चा आया था 70,000 लगभग, मेरी समझ से मैंने ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेट किया था, जिसमें लगभग 45,00,000 रुपए लगभग हुआ था, और ये सब केवल एक साल में मैंने कमाया है इसी एक चैनल से, 45,00,000 रुपए केवल एक साल के अंदर। थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने घर का खर्चा कम ही बताया है। स्पॉन्सरशिप, जो मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ ना, उसमें मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग से तभी लेता हूँ। स्पॉन्सरशिप मुझे बहुत महंगी महंगी मिलती है, 40-40,000, 50-50,000 मैं लेता हूँ एक स्पॉन्सरशिप का, केवल एक वीडियो का। और यूट्यूब का जो इनकम है, जो यूट्यूब से महीने में आता है, वो मेरा अभी फिलहाल अगर अभी मैं बताऊँ तो मेरा अभी 50-60-70 ऐसे ही आता है 1,000 महीने का। और जो स्पॉन्सरशिप का है वही सबसे मेन स्रोत होता है यूट्यूबर की कमाई का। लोग बोलते थे 2-3 गुना कमा सकते हो, जो जितनी आपकी सैलरी आती है उससे 2-3 गुना और ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन मैंने बहुत गुना ज्यादा कमाया है। सुने, ये है असली YouTube की पावर, और आप नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव। इस भाई के चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं? अभी 2,00,000 भी नहीं है। आप सोचो इतना ज्यादा का, मतलब मैं जब सुना, अब भी सुना हूं, 5 मिनट पहले सुना हूं, और ये वीडियो मैं अब भी शूट कर रहा हूं, और ये 3rd time जो वीडियो शूट हो रही है अभी, वो नेगेटिव कमेंट देख के मैंने उसको, नहीं यार इसको शूट करना है। भले आप लोग कीजिए, जितने नेगेटिव कमेंट करना है कीजिए, बिल्कुल पावर के साथ लगा हुआ हूँ। मेरे अंदर ना मोटिवेशन का पूरा भंडार है। मैंने देखा हूँ यार, ऐसे ऐसे चैनल्स ग्रो हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता था, ऐसे ऐसे चैनल अभी भी ग्रो हो रहे हैं, मतलब जिनको वीडियो में बात करने का तरीका नहीं है, या गलत सलत भी बोल दे रहे हैं कुछ भी, वो लोग ग्रो हो रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं ग्रो होऊंगा यार। बस समय लगेगा ना, देखता हूँ कब तक नहीं ग्रो हो पाऊंगा, देखता हूँ मैं कब तक नेगेटिव कमेंट्स मुझको आते हैं। मैं जो मन करेगा मेरा वीडियो बनाऊंगा, खराब वीडियो ही बनाऊंगा। और अब से मैं बता दे रहा हूँ, इस चैनल पे ना अभी तक YouTube अपडेट का वीडियो नहीं आ रहा था, अब वो भी आएगा। आपको एक बात बताऊँ, ये उंगली आज मेरी चोट लग गई है, सुबह अच्छे से मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, ऐसे रोटी तोड़ के खा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दर्द हो रहा है, तो थोड़ा दर्द सहते हुए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको ऐसे में तो दिखेगा नहीं, मैं पास से कैमरे से आपको दिखाऊंगा तो आप समझोगे। तो सोचो इतने दर्द में भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्त मोटिवेटेड रहो यार, नेगेटिविटी से दूर रहो, और मैं बता रहा, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो इससे अच्छा चैनल आपको YouTube पे नहीं, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो मोटिवेट आपको कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल पे जो माल पड़ा हुआ है आपको इस तरीके से कोई मोटिवेट नहीं करेगा। आप यूट्यूबर बनने जा रहे हैं तो यूट्यूबर का दर्द थोड़ा सा अलग होता है। संदीप सर जी की वीडियो अलग है, बिंद्रा जी की वीडियो अलग है, सोनू शर्मा जी की वीडियोज अलग हैं, वो भी मोटिवेट आपको करते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं
आपके कैटेगरी में बात कर रहा हूं। तो प्लीज यार मोटिवेटेड रहिए, काम करते रहिए, एक साल में 50 लाख का टारगेट बनाओ, मजा आएगा यार, क्या मोटिवेशन मिला मेरे को सही में। ठीक है जी, इस वीडियो में ज्यादा बात मैं वैसे भी कर नहीं पाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है और यकीन मानिए ऐसी एनर्जी के साथ भरी वीडियोस आपको इस चैनल पे ना कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब सॉरी यूट्यूब पे ना कहीं नहीं मिलेंगी, इस चैनल पे ना दफा के माल पड़ा हुआ है, आप चेक करो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, श्री सीताराम। ला 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 ला।